बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू सांदल कॉलेज बॉयज सेक्शन ऑनलाइन क्लास सेकंड ईयर। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, हियर इज अख्तर सईद योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी विल डिस्कस लेसन नंबर 14 ऑफ इंग्लिश बुक 2 फॉर सेकंड ईयर। द नेम ऑफ द लेसन इज लुई पास्टर। लुई पास्टर इज द फोर्थ हीरो ऑफ इंग्लिश बुक 2। We'll start on page number 66. लुई पास्टर एक लेंथी लेसन है। मैंने आपकी आसानी के लिए इस वीडियो लेक्चर के नीचे वीडियो प्रोग्रेस बार में पेज नंबर्स ऐड कर दिए हैं। आप जिस पर्टिकुलर पेज को वॉच करना चाहते हैं, अपना कर्सर वीडियो प्रोग्रेस बार पे मूव करें तो आपको पेज नंबर्स डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। आप जिस भी पर्टिकुलर पेज को वॉच करना चाहेंगे उसको क्लिक करके आप उसे वॉच कर सकते हैं। Louis Pasteur has been written by Margaret Avery. Margaret Avery wrote a wonderful book, Six Great Scientists, in 1923, in which she penned down six great scientists of the 19th century who made their mark in the world with their hard work, devotion, and commitment. Our today's hero, Louis Pasteur, is also included in the book. Rather, he is number one in the list. अपनी इस किताब सिक्स ग्रेट साइंटिस्ट्स में मार्गरेट एवरी लिखती हैं कि दुनिया में बहुत सी अजीम हस्तियों के कारनामे तो हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन ये लोग किन कठिन हालात से गुज़रे ये अक्सर हमारी आंखों से ओझल रहते हैं। अपनी इस किताब सिक्स ग्रेट साइंटिस्ट्स में जहां उन्होंने इन सिक्स ग्रेट साइंटिस्ट्स के अजीम कारनामों के बारे में लिखा है, वहीं इनके उन हालात के बारे में भी लिखने की कोशिश की है कि किन कठिन हालात से गुज़रकर ये यहाँ तक पहुँचे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करते रहे और इस मकाम तक पहुँच गए। तो ये एक तरह से उनको खराज तहसीन पेश करना भी है। नाउ लेट्स डिस्कस द ब्रीफ समरी ऑफ लुई पास्टर। डियर स्टूडेंट्स, लुई पास्टर कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर कैटेगरीज। Number 1, Louis Pasteur's early life. Number 2, Louis Pasteur's patriotism, yani unki hubbul watani, watan se mohabbat. Number 3, Louis Pasteur's private life, unki zati zindagi. And last, Louis Pasteur's achievements. Now let's discuss one by one. Number 1, Louis Pasteur's early life. He was born in France in 1822 in humble circumstances. When he was a boy, he was not very much interested in studies. Rather, he was interested in fishing and making sketches of his friends. Soon he realized that his education was a drain on his family funds, so he developed passion for studies. Dear students, Louis Pasteur was very much interested in chemistry. He often disturbed his chemistry professor with unanswerable questions. Number 2, his patriotism. Louis Pasteur was a great patriot. बहुत बड़े मुहिब्बे वतन थे और उनको हुबल वतनी उनके फादर की तरफ से विरासत में मिली थी। उनके फादर नेपोलियन की आर्मी का हिस्सा भी थे और उन्होंने द क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर का अवार्ड भी हासिल किया था। वंस लुई पास्टर रेड दैट डोनेट फॉर द कंट्री, सो ही एट वंस डोनेटेड ऑल हिज वर्ल्डली वेल्थ दैट इज 150 फ्रैंक्स टू हिज कंट्री। 1870 ही ट्राइड टू एनरोल हिमसेल्फ इन द नेशनल गार्ड ड्यूरिंग द फ्रेंको प्रशियन वॉर, बट ही वॉज रिफ्यूज ऑन फिजिकल ग्राउंड्स। He also returned his diploma to the University of Bonn, Germany, expressing his hatred against Germany. Number 3, his private life. Louis Pasteur married the daughter of the rector of Strasbourg Academy in 1850. It is said that he was so busy in his work that he entirely forgot his wedding ceremony and his friend fetched him. Last is Louis Pasteur's achievements. Spontaneous generation. Dear students, spontaneous generation के बारे में
मैं आपको बताता चलूं कि ये एक थ्योरी थी जिसके बारे में बहुत से लोग समझते थे कि नॉन लिविंग मैटर से लिविंग क्रिएचर्स तख्लीक पा सकती हैं। लुई पैस्टर ने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉज नॉट अ फैक्ट। मेकिंग ऑफ बियर, शराब के बारे में आपको बताता चलूं कि फ्रांस में स्पेशली जब इनकी 1870 में जर्मनी के साथ जंग हो गई तो इन ये शराब खुद पैदा करना चाहते थे और लुई पैस्टर ने शराब कशीद करने के तरीकों को दरियाफ्त करने पर अपनी सारी तवज्जो मबजूल कर दी और बहुत अच्छे तरीके दरियाफ्त किए कि सिर्फ इस एक इंडस्ट्री से फ्रांस मुआशी तौर पे बहुत ऊपर चला गया। He saved the silk industry. 1849 के बाद वहाँ सिल्क इंडस्ट्री पे जवाल शुरू हो गया और बहुत से ख़ानदान, हज़ारों की तादाद में ख़ानदान इससे मुतासर हुए। तो गवर्नमेंट ने 1865 में लुई पैस्टर को सिल्क रीजन में भेजा और उन्होंने दिन रात काम किया और सिल्क इंडस्ट्री को दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। लुई पैस्टर discovered the remedy of cattle disease, anthrax, और इस तरह से लाखों जानवरों की कीमती जानों को बचाया जा सका। He also discovered the remedy of puerperal fever. ये जिचगी का एक बुखार है। डिलीवरी के दौरान बहुत सी खातीन इस बीमारी puerperal fever यानी जिचगी की बीमारी का शिकार हो जाती थीं और मर जाती थीं। आज लुई पैस्टर का शुक्रिया कि दुनिया इस बीमारी के नाम तक को भी नहीं जानती। He also discovered the method of making vaccine और पूरी दुनिया में लोग लुई पैस्टर की बनाई हुई वैक्सीन से और उसके बाद में बनाई जाने वाली वैक्सीन से फ़ायदा उठा रहे हैं। वर्क ऑन हाइड्रोफोबिया आर रेबीज, ये बावलेपन की बीमारी है जो पागल कुत्ते के काटने से हो जाती है और लुई पैस्टर ने इसके इलाज का तरीका दरियाफ्त किया और आज लाखों लोगों को इस बीमारी के असरात से बचाया। Last but not the least, that is the motivation for other scientists. The other scientists got inspiration from the success and fame of Louis Pasteur and they also started studying the habits of a lot of germs and this way they also discovered the remedies of a lot of diseases. This great scientist Louis Pasteur died in 1895 and was buried in Pasteur Institute. Dear students, his services will never be forgotten. Dear students, let me present the one and only Louis Pasteur, legendary chemist and biologist. Now, dear students, we'll start on page number 66. Here in the first paragraph of Louis Pasteur, we'll discuss one question, that is describe Pasteur's early life. Pasteur was born in quite humble circumstances. Humble means ordinary, modest. Circumstances means conditions. He was born in ordinary conditions. He was born in quite modest conditions. Yani halat bahut acche nahi the at Dole in the Jura district of France in 1822. His father as a young man had been one of Napoleon's conscripts. कंस्क्रिप्ट कहते हैं सोल्जर्स को, रिक्रूट को, फौजी को, तो वो नेपोलियन की आर्मी का हिस्सा थे एंड हैड वन द क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर ऑन द फील्ड ऑफ बैटल फॉर वैलर। वैलर मीन्स करेज एंड फिडेलिटी, फिडेलिटी मीन्स लॉयल्टी, वफादारी इसका मतलब है। दस द सन वॉज फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट मीन्स खुशकिस्मत, लकी इन पोजेसिंग, पोजेसिंग मीन्स हैविंग forebears ancestors, forefathers, above ajdad, of character and strength. Thus the son was fortunate in possessing forebears of character and strength. Yani bachcha khushkismat tha ke uske jo abao ajdad the wo kirdar aur mazboot insaan ke bahut mazboot insaan the. There is much evidence. Evidence means proof of the influence. Influence means effect, asar of the father on his son.
यानी बहुत बड़ा सबूत मौजूद है जो कि उनके बाप का उनके बेटे पे असर था। पास्टर शोइंग टाइम आफ्टर टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ हिज डिवोशन। डिवोशन मीन्स डेडिकेशन, कमिटमेंट टू फ्रांस। हेयर वी विल बी डिस्कसिंग टू क्वेश्चंस। नंबर वन, हाउ वॉज पास्टर मोर ऑफ अ पेट्रियट देन ऑफ अ साइंटिस्ट। नंबर टू, व्हाई डिड द मिलिट्री अथॉरिटीज रिफ्यूज टू एनरोल पास्टर इन द नेशनल गार्ड। आई टेल यू डियर स्टूडेंट्स, बोथ द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट्स हियर, दैट इज हाउ वॉज पास्टर मोर ऑफ अ पेट्रियट देन ऑफ अ साइंटिस्ट। के कहा जाता है कि पास्टर साइंसदान होने की निस्बत ज़्यादा मुहिब्बे वतन थे, वतन से मुहब्बत करने वाले थे। कैसे? He was perhaps even more of a patriot than of a scientist. Patriot means nationalist. That is, in 1848, when Europe was politically upheaved, disordered, उसमें बहुत ज़्यादा अबतरी आ गई थी सियासी तौर पर, तो Pasteur registered himself in the National Guard, and seeing one day in the place due Pantheon a sort of altar. Altar means प्लेस ऑफ सेक्रीफाइस, यानी कुर्बानगाह की किस्म की कोई वो जगह थी लेबल्ड, जहाँ लिखा हुआ था ऑर्टर डीला पैट्री। ऑर्टर डीला पैट्री मीन्स डोनेट फॉर द कंट्री। ही प्रॉम्प्टली मीन्स क्विकली प्लेस्ड ऑन इट ऑल हिज वर्ल्डली वेल्थ, दैट इज 150 francs। एंड In 1870, from here, second question starts, that is, why did military authorities refuse to enroll Pasteur in the National Guard? In 1870, he was returning from Germany to France and at Strasbourg heard that France was on the verge of war. Verge means edge. France was on the edge of war with Germany, whereupon he hurried. Hurried means rushed. बड़ी तेज़ी से वो भागे पेरिस की तरफ। एंड वॉज एक्सीडिंगली एक्सट्रीमली ग्रेटली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मिलिट्री अथॉरिटीज रिफ्यूज टू एनरोल हिम इन द नेशनल गार्ड ऑन द स्कोर। ऑन द स्कोर, ऑन द रीज़न, इस वजह से दैट अ हाफ पैरालाइज्ड मैन, पैरालाइज्ड हैंडीकैप्ड, उन पे फालज का एक हमला हो चुका था, वॉज यूजलेस इन द आर्मी। यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है, अगर ये क्वेश्चन आता है हाउ वॉज पास्टर मोर ऑफ अ पेट्रियट दैन ऑफ अ साइंटिस्ट, फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी दोनों क्वेश्चंस मिला के लिखेंगे। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आता है वाई डिड द मिलिट्री अथॉरिटीज रिफ्यूज टू एनरोल पास्टर इन द नेशनल गार्ड, तब आप इन 1870 से स्टार्ट करके फिर आप यहाँ तक लिखेंगे। He had a paralytic stroke 2 years before in 1868 and he never shook off. Shook off means got rid of, और वो कभी भी इनके असरात से छुटकारा ना पा सके। And never shook off the physical effects, उनके जो जिस्मानी असरात थे उनसे वो कभी भी छुटकारा ना पा सके। Though after 2 years he was able to continue his mental work as well as ever before, जैसे वो पहले काम किया करते थे ज़हनी काम, वो फिर 2 साल के बाद वो कम अज़ कम उनका जहन महफूज रहा था इस स्ट्रोक से, इस फालज के हमले से, और वो पहले की तरह वो काम करने लग गए। Now we'll discuss one question here, that is, what was Pasteur interested in his boyhood? However, to return to his boyhood, boyhood लड़कपन को कहते हैं। When he was 2 years old, the family moved from Dole to Arbua. ये Arbois, बाज़ुआत इसे पढ़ते हैं बच्चे, तो Arbua, ये French word है Arbua, where his father bought a small tannery. Tannery means leather factory, and here Pasteur, from here actually the answer of this question starts, that is, what was Pasteur interested in his boyhood? Pasteur was sent to school at the communal college, where at first he showed no interest whatever in books or study, but devoted his attention to fishing and making sketches of his companions. Sketches means drawings. वो उनकी तस्वीरें बनाया करता था अपने दोस्तों की। However, directly,
directly, soon. He grasped means understood the fact that his education was a great drain means burden on the family funds, and he set himself in earnest means seriously at school. Unhein ehsaas ho gaya ke wo jo khandan ke funds hain unka jo paise par bahut bada bojh hai to wo phir jald hi school ke mamlaat mein yani apni taleem mein dilchaspi lena shuru ho gaye, and soon developed the passion means spirit, aur jazba paida kar diya for work which marked the whole of the rest of his life. Here are two paragraphs and two questions will be discussed separately. Number 1, from where did Pasteur graduate? Number 2, how did Pasteur embarrass his professor of chemistry? Question number 1 starts here, that is, from where did Pasteur graduate? The college at Arbois did not teach philosophy, and so after a time Pasteur went on to Besançon, a bigger place with better educational provisions means facility. Besançon ek bigger place thi aur yahan education ki zyada sahooliyat muyassar thi, isliye Pasteur jo the wo Arbois se Besançon shift ho gaye, wahan chale gaye. Here he graduated in science and arts and was given a post on the college staff. From here, second question starts, that is very interesting question. How did Pasteur embarrass his professor of chemistry? He was already much interested in chemistry, too much so for the professor of that subject at Besançon, whom Pasteur used to embarrass. Embarrass means confused, upset with unanswerable questions. वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर को अनआंसरेबल क्वेश्चंस के साथ एम्बेरस कर देते थे, उन्हें परेशान कर देते थे. चूँकि ये खुद इन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे, इसलिए ऐसे ऐसे कभी कभार सवाल करते कि उनके सर के पास भी उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता था. द प्रोफेसर इन क्वेश्चन डिसअप्रूव्ड मीन्स डिसलाइक्ड ऑफ सेइंग आई डोंट नो. तो उनके प्रोफेसर को ये अच्छा नहीं लगता था कि वो Pasteur से ये कहें कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, एंड यूज्ड टू ट्राई टू कीप Pasteur इन हिज प्लेस. और वो Pasteur को चुप करा देते थे बाय टेलिंग हिम दैट क्वेश्चंस वर टू बी आस्क्ड बाय द टीचर ऑफ द स्कॉलर एंड नॉट वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मीन इंस्टेड, द अदर वे राउंड. वो Pasteur को ये कहकर अपनी जगह पर रखते थे, उनको स्नब कर देते थे, उनको डांट देते थे कि स्टूडेंट के टीचर को क्वेश्चन करने का हक होता है और स्टूडेंट को अपने टीचर से कोई क्वेश्चन करने का हक नहीं होता. इस तरह से वो कह के अपनी जान छुड़ा लेते थे. Now here we'll discuss one question, that is, for how many times did Pasteur appear for entrance examination and why? In 1842, that is when he was 20, he went in for the entrance examination to the great Ecole Normale in Paris and came out 14th on the list. यानी वो Ecole Normale जो Paris में एक institute था, उनके entry test में गए और 14th उनका number आया merit list में, whereupon he refused to enter. तो उन्हें बड़ी मायूसी हुई कि उनका जो 14th नंबर आया है मेरिट लिस्ट में, ये को बहुत अच्छा नहीं है, एनकरेजिंग नहीं है, तो उन्होंने दाखिला ही नहीं लिया. बीइंग सो डिसअपॉइंटेड एट नॉट गेटिंग अ हायर प्लेस, ही टुक द एग्जामिनेशन अगेन इन द फॉलोइंग ईयर. एक साल पूरा वेट किया, हालांकि दाखिला उनका हो सकता था. ऐसे अजीम लोग भी होते हैं, वो बेहतर मार्क्स चाहते थे, बेहतर पोजिशन चाहते थे, एंड वॉज फोर्थ ऑन द लिस्ट, which apparently more or less satisfied him. In the first paragraph of the next page, that is 67, we'll discuss two questions. Number 1, when did Pasteur become deputy professor? Number 2, describe Pasteur's wedding. Both the questions are very important, and second question is rather interesting. At this point, one may say a word about his private affairs, unki personal life ke bare mein. In 1848, from here, question number 1 starts, that is, when did Pasteur become deputy professor? In 1848, at the age of 26, he became deputy professor of chemistry in the University of Strasbourg, and here he
From here, second question starts, that is, describe pastor's wedding. He met his future wife where? At the University of Strasbourg. He met his future wife, who was the daughter of the rector. Rector means principal, chancellor. Actually, rector is the head of more than one institute. So he was the principal or chancellor or head of more than one institute. That's why he was called rector of the Strasbourg Academy. They were married in 1850. And it seems that pastor was so buried in his work, so buried, absorbed, involved, is kadar magan the, is kadar masroof the, ke on the wedding day that he entirely, completely forgot the ceremony. Ceremony means event, ceremonial. यानी अपनी शादी के बारे में ही भूल गए कि आज उनकी शादी है और यहाँ हमारे बच्चों का क्या हाल होता है और वो अपनी शादी के बारे में ही भूल गए. एंड ही हैड टू बी फेच्ड बाई अ फ्रेंड. फेच्ड मीन्स ब्रॉट बाई अ फ्रेंड. तो एक दोस्त जाके उनको लेके आए कि जनाब आ जाएं, आज आपकी शादी है. द मैरिज हाउएवर वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड हिज वाइफ सीम्स टू हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन हर हस्बेंड्स वर्क. द नेम ऑफ हिज वाइफ वॉज मैरी पैस्टर. One question will be discussed here in this paragraph, that is, why did the French Academy offer a prize in 1860? And the whole paragraph is the answer to this question. In 1860, the French Academy offered a prize for the solution of the problem whether spontaneous generation was or was not a fact. मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये spontaneous generation है क्या? Dear students, the theory of spontaneous generation meant that living creatures could arise from non-living matter. ये एक concept था कि non-living matter से living creatures पैदा हो सकती हैं. And that such processes were commonplace and regular. तो French Academy ने एक competition conduct किया कि ये practically साबित करें कि ये हकीकत है या नहीं है. And Pasteur entered for the competition. Competition means contest, मुकाबला. And settled the matter. इस मसले को हल कर दिया once and for all in the negative. Once and for all idiom है जिसका मतलब है forever, for good, हमेशा के लिए. नेगेटिव में साबित कर दिया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन फैक्ट नहीं है. प्रूविंग दैट इफ अ सब्सटेंस बी सफिशेंटली, सफिशेंटली मीन्स एडिकेटली, अप्रोप्रिएटली, कि अगर किसी सब्सटेंस को मुनासिब तरीके से हीटेड, उसे गर्म कर लिया जाए, टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ, कि उसके अंदर जितनी भी लाइफ है अगर वो मर जाए. एंड इफ द एयर इन कॉन्टैक्ट विद इट बी फिल्टर्ड. फिल्टर्ड मीन्स क्लीन्ड. और उसके कॉन्टैक्ट में जो आने वाली हवा है अगर उसको फिल्टर कर लिया जाए, क्लीन कर लिया जाए, सो दैट इट इज़ फ्री ऑफ जर्म्स, देन द सब्सटेंस डज नॉट ऑल्टर. यानी बैक्टीरिया डू नॉट डिवेलप इन इट. तो फिर उसमें बैक्टीरिया डिवेलप नहीं होगा. तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन इन्होंने हमेशा के लिए नेगेटिव में साबित कर दिया कि नॉन लिविंग मैटर से लिविंग क्रीचर्स पैदा नहीं हो सकती. सो एज यूजुअल हिज अपोनेंट्स, अपोनेंट्स मीन्स राइवल्स, मुखालफीन, हरीफ, said that they obtained opposite results. उनके जो हरीफ थे, जो मुकाबले में आए थे, उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो इनसे ऑपोजिट हैं. यानी वो ये समझते थे कि नॉन लिविंग मैटर से लिविंग क्रीचर्स पैदा हो सकती हैं. सो पैस्टर आस्क्ड फॉर आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन मीन्स सेटलमेंट, मीडिएशन. उन्होंने सालसी की रिक्वेस्ट की. एंड द अकेडमी अपॉइंटेड अ कमीशन बिफोर विच पैस्टर एंड हिज एडवर्सरीज. एडवर्सरीज मीन्स अपोनेंट्स, राइवल्स, कंपेटिटर्स. यानी अपोनेंट्स और एडवर्सरीज आर सिनोनिमस टू ईच अदर. इन दोनों के मीनिंग्स सेम हैं. एंड हिज एडवर्सरीज वर टू रिपीट देयर एक्सपेरिमेंट्स. We'll discuss two questions here. Number one, what was Pasteur's opponent's response on the day of competition? Number two, which work of Pasteur was of great value and why? Question number one starts here, that is, what was Pasteur's opponent's response on the day of competition? On the appointment day, Pasteur appeared loaded with apparatus.
apparatus means equipment, यानी अपने साजो सामान के साथ वो वहाँ आन पहुँचे. His opponents, however, had none. लेकिन उनके जो मुखालफीन थे वो कुछ भी नहीं लेके आए. They said the weather was unfavorable and they would like to wait. The commission very reasonably refused. Reasonably, sensibly. उन्होंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया कि मौसम का इससे क्या ताल्लुक है, आप तजुर्बा करें अपना और साबित करें आपका जो क्लेम है. Pasteur did his experiments successfully and won the prize. In the course of these experiments, Pasteur found that some germs are very difficult to destroy by heat. इन तजुर्बात के दौरान Pasteur को एक और बात का पता चला कि कुछ जरासीम ऐसे हैं जो गर्म करने से मरते नहीं हैं. That is milk developed bacteria even after several minutes boiling. के दूध में कई मिनटों तक उसको उबालने के बाद भी बैक्टीरिया पैदा हो जाता है. बट आफ्टर रेजिंग द टेम्परेचर 10 डिग्री अबव बॉइलिंग पॉइंट ही फाउंड दैट नो बैक्टीरिया वर लेफ्ट अलाइव. लेकिन एक बात का फिर हमें पता चला कि अगर बॉइलिंग पॉइंट से 10 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया जाए, उसे 10 डिग्री ज़्यादा दर्जा हरारत तक उबाला जाए, तो फिर किसी किस्म का कोई भी बैक्टीरिया दूध में नहीं रहता. This work on spontaneous generation, say question number 2 start hoga, which work of Pasteur was of a great value and why? This work on spontaneous generation was of great value because it stimulated, motivated. Unko tahreek di, unhein targheeb di, unmein shauk paida hua, other scientists to study the habits of germs. उनके स्पॉन्टेनियस जनरेशन पर कामयाब तजुर्बे के बाद दूसरे साइंसदानों में यह जज्बा पैदा हुआ, शौक पैदा हुआ कि वो भी जरासीमों की आदात के बारे में स्टडी करें, मुतालिया करें. एंड मच ऑफ आवर मॉडर्न नॉलेज ऑफ दीज इनविजिबल अनसीन बट वेरी एक्टिव प्लांट्स सप्रैंग मीन्स केम अपेयर्ड फ्रॉम Pasteur's डिस्कवरीज. यानी ये ना देखे जाने वाले लेकिन बहुत फाल किस्म के जो जरासीम हैं उनके बारे में आज का हमारा जदीद नॉलेज Pasteur की दरियाफ्तों का मरहून मिन्नत है. उन्होंने ही हमें रास्ता दिखाया कि जरासीमों के बारे में स्टडी करनी चाहिए. A very important question will be discussed here, that is, when did France and Germany plunge into war and what was Pasteur's reaction? This brings us on to 1870. हमने मिस्टर चिप्स में पढ़ा था कि मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को 1870 में ज्वाइन किया था और 1870 को याद रखना मिस्टर चिप्स के लिए इसलिए आसान था कि 1870 में फ्रेंको प्रशन वॉर स्टार्ट हुई थी, यानी फ्रांस और जर्मनी में जंग हुई थी. When France and Germany were plunged into war and Pasteur ever intensely a lover of France. Intensely, strongly, a lover of France was filled with sorrow and anxiety. Sorrow, grief. Anxiety means worry and with loathing of Germany. Loathing means hatred, nafrat of Germany. He wrote to the University of Bonn which had granted him the degree of Doctor of Medicine. After that, his name should be removed from the faculty of the university and returning his diploma of which he speaks thus. और अपना जो डिप्लोमा था वो यूनिवर्सिटी को वापस कर दिया और साथ ये लिखा, Today, the sight of this parchment means document, यानी वो जो डिप्लोमा है उसका देखने से is very odious to me. Odious means hateful, disgusting, बड़ा उसको तकलीफ़ होती है उसको देख के. And I feel offended, insulted, hurt at seeing my name placed under the patronage means sponsorship of a name doomed henceforward to execration means curse by my country. Yani mera naam us naam ke niche hai ke mera mulk aaj ke baad jis pe hamesha lanat malamat karta rahega, that of Rex Gillelmus. Yani wo kaun sa naam tha, wo ye naam tha Rex Gillelmus. Yani ye us diploma mein uska naam likha hua tha.
और वो उसके नीचे मिस्टर पैस्टर का नाम लिखा हुआ था और वो समझते थे मुझे ये कबूल नहीं है, क्योंकि वो जर्मनी से बेतहाशा नफरत करते थे। नाउ वी विल डिस्कस वन क्वेश्चन हियर, व्हाई डिड पैस्टर टर्न टू द स्टडी ऑफ ब्रूइंग, यानी वो शराब कशीद करने के मुतालिया की तरफ क्यों रागब हुए। Having offered himself as a soldier, where now he was refused on the score of on the basis of physical incapacity, inability. उनको वो स्ट्रोक हो गया था 1868 में, तो जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गए थे फालज के अटैक की वजह से। जब वो सिल्क इंडस्ट्री में काम करने गया तो काम की ज़्यादती की वजह से उन पर अटैक हो गया। तो 1870 में जब जंग हुई तो इन्होंने नेशनल गार्ड में अपने आप को एनरोल करवाने की कोशिश की, तो उनको फिज़िकल इनकैपेसिटी की वजह से इनकार कर दिया गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, दिस अनकंकरेबल मैन, अनकंकरेबल मैन मीन्स अनबीटेबल, इनविंसिबल, नाकाबले शिकस्त आदमी, टर्न्ड टू द सोर्ड ऑफ साइंस। जंग में तो वो नहीं जा सके तो वो साइंस की तलवार उन्होंने अपने हाथ में पकड़ ली। एंड टुक अप द स्टडी ऑफ ब्रूइंग, ब्रूइंग मीन्स फर्मेंटेशन, मेकिंग बियर, यानी शराब बनाने का जो मुतालिया था उसकी तरफ वो रागब हो गए। इन आर्डर टू डिस्कवर अ मैथड वेयर बाई फ्रांस माइट प्रोड्यूस बियर एज गुड एज दैट मैनुफैक्चर्ड इन जर्मनी, मैनुफैक्चर्ड प्रोड्यूस्ड, यानी वो चाहते थे कि हम फ्रांस में रहकर ही इतनी अच्छी शराब पैदा करें, इतनी अच्छी शराब बनाएं जितनी जर्मनी में बनाई जाती है। ही इम्पार्टेड, imparted means granted his discoveries to the English brewers as well as to the French. तो उन्होंने अपनी जितनी भी discoveries थी इन beer के बारे में, शराब कशीद करने के मुतालिया के बारे में, तो वो सारी की सारी उन्होंने English brewers, यानी इंग्लैंड के brewers को, इंग्लैंड में शराब बनाने वालों को और फ्रांस में शराब बनाने वालों को उन्होंने दे दी। With the rather illuminating remark, illuminating and lightening, बड़े ही रोशन रिमार्क के साथ उन्होंने कहा। इल्यूमिनेटिंग एक ऐसा वर्ड है, असल में इल्यूमिनेशन आपकी एमडी कैट वोकैबुलरी में शामिल है, इसलिए इसके ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम और एंटोनिम अभी से कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। तो उन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने अपनी डिस्कवरीज इंग्लिश ब्रूअर्स और फ्रेंच ब्रूअर्स को दी, वी मस्ट मेक सम फ्रेंड्स फॉर आवर बिलव्ड फ्रांस, कि हमें अपने प्यारे फ्रांस के लिए, महबूब फ्रांस के लिए हमें कुछ दोस्त बनाने हैं। इन 1876 दिस वर्क वॉज पब्लिश्ड इन अ बुक कॉल्ड इट्यूड सोला बेयरी, यानी स्टडीज ऑन बेयर, विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश एंड इज द बेस्ट नोन ऑफ पैस्टर्स बुक्स इन इंग्लैंड, और ये बेहतरीन किताब समझी जाती है। वेयर इट हैज़ बीन ऑफ ट्रीमेंडस वैल्यू, tremendous means great value in the brewing industry. Industry means business, trade center, commercial center भी इसका synonym हो सकता है, commercial center, और industry purple color में है, तो ये दो words ऐसे हैं जो आपकी MD CAT vocabulary में शामिल हैं, इनके ज़्यादा से ज़्यादा synonym और antonym collect करने की कोशिश करें। We'll discuss three questions here. Number one, what did Huxley say about Pasteur's work? Number two, how did Pasteur's work on fermentation affect medical field? Number three, what was the death rate in pre-Listerian days? Question number one starts here, that is, what did Huxley say about Pasteur's work? Huxley once said that Pasteur's work on fermentation alone, fermentation brewing, saved France more than enough to pay the indemnity. Indemnity means compensation, talafi of the Franco-German war. Huxley का कहना था कि फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जंग से फ्रांस को जितना भी नुकसान उठाना पड़ा था उस सारे की तलाफी सिर्फ फर्मेंटेशन पर पैस्टर के वर्क से ही हो गई। However, Pasteur's work on fermentation did not stop short here. It had far more से second question start होगा, that is, how did Pasteur's work on fermentation affect medical field? It had far more important effects on medicine, surgery and public health. For it was the starting point
for Lord Lister's work on inflammation of wounds. Inflammation means swelling, यानी जख्म में भी सूजन हो जाती है और तबखीर का अमल भी इससे मिलता जुलता ही था. तो लॉर्ड लिस्टर को पैस्टर के इस काम पर फर्मेंटेशन से ये ख्याल आया के वूंड्स में भी सूजन होती है तो इसका इलाज भी मुमकिन है. अगर फर्मेंटेशन बैक्टीरिया की वजह से है तो वूंड्स में जो इन्फ्लेमेशन है वो भी बैक्टीरिया ही की वजह हो सकती है. विच इन दोज डेज कॉज्ड एंडलेस ट्रबल आफ्टर ऑपरेशंस ऑफन मेकिंग एम्प्यूटेशन. एम्प्यूटेशन मीन्स कट अ पार्ट ऑफ बॉडी. ऑफन मेकिंग कट अ पार्ट ऑफ बॉडी नेसेसरी एंड फ्रीक्वेंटली. Frequently, often, अक्सर जब कोई ज़ख़म हो जाता तो वो उसमें इस कदर सूजन पैदा हो जाती, उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाती कि बाज़ औक़ात उन हिस्सों को काटना पड़ जाता. Even this was not enough to save the patient's life. और कभी कभार जिस्म का हिस्सा काटने से भी मरीज़ की ज़िंदगी नहीं बचाई जा सकती थी. About 33%. यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होगा. दैट इज़ व्हाट वाज़ द डेथ रेट इन प्री लिस्टेरियन डेज. अबाउट 33% ऑफ डेथ्स फ्रॉम मेजर ऑपरेशंस अकर्ड इन प्री लिस्टेरियन डेज विद द रिजल्ट दैट द सर्जन्स वर अनविलिंग. अनविलिंग मींस रिलक्टेंट. वो हिचकिचाते थे टू ऑपरेट. कोई भी ऑपरेशन करने के लिए वो हिचकिचाते थे कि अगर इनको कट लगाया तो ये ख़राब हो जाएगा. वो समझते थे कि अगर इसको काटा गया तो ये पता नहीं इसने बचना है या नहीं बचना है. एक्सेप्ट एज अ लास्ट एंड डेस्पिरेट रिजॉर्ट. डेस्पिरेट मीन्स होपलेस. रिजॉर्ट मीन्स ऑप्शन. इन दोनों का मतलब हो सकता है द फाइनल अटैम्प्ट. वो आखिरी अटैम्प्ट के तौर पर ऑपरेशन करते थे. जल्दी ऑपरेशन नहीं करते थे. जब हालात बहुत ही ख़राब हो जाते थे तो सिर्फ उसी वक्त वो ऑपरेशन करते थे. अदरवाइज वो उसे अवॉइड करने की ही कोशिश करते थे. वेल डिस्कस टू क्वेश्चंस हियर. नंबर 1, व्हाट डिड लिस्टर प्रूव थ्रू हिज रिसर्च ऑन इन्फ्लेमेशन. नंबर 2, व्हाट इज द यूज ऑफ एसेप्टिक मेथड. Now, Pasteur's discovery. Pasteur's discovery से question number 1 start होगा. That is, what did Lister prove through his research on inflammation? Pasteur's discovery that fermentation was due to bacteria set Lister wondering. Pasteur ने उससे पहले discover किया था कि fermentation bacteria की वजह से होती है. तबखीर का अमल bacteria की वजह से होता है. तो इससे लिस्टर भी सोच में पड़ गए. लॉर्ड लिस्टर भी सोच में पड़ गए वेदर इन्फ्लेमेशन वॉज नॉट ऑल्सो अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन ड्यू टू बैक्टीरिया गेटिंग इन टू द वूंड. अभी पिछली स्लाइड में मैं यही बात कर रहा था. इन्फ्लेमेशन का मतलब है स्वेलिंग. वो ये सोच में पड़ गए कि अगर फर्मेंटेशन जो पैस्टर ने डिस्कवर किया था ये किसी बैक्टीरिया की वजह से है तो ज़ख़म में भी तो बैक्टीरिया दाखिल हो सकता है जो कि इन्फ्लेमेशन यानी सूजन की वजह बनता है, स्वेलिंग की वजह बनता है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ब्रिलियंट रिसर्चेस. ब्रिलियंट मींस ग्रैंड. शानदार रिसर्च की सीरीज के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे. ही प्रूव दैट दिस वॉज सो. कि वाक़ियतन ऐसा ही है कि ज़ख़म में बैक्टीरिया शामिल हो जाता है, जर्म शामिल हो जाते हैं जिसकी वजह से स्वेलिंग यानी सूजन हो जाती है. एंड दैट इफ़ ओनली जर्म्स वर एक्सक्लूडेड फ्राम वूंड्स. एक्सक्लूडेड मीन्स रिमूव्ड. कि अगर ज़ख़म से जर्म्स को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा. इन्फ्लेमेशन वॉज एवर्टेड. एवर्टेड मीन्स प्रिवेंटेड, अवॉइडेड. तो फिर सूजन से बचा जा सकता है. दी एंटीसेप्टिक मैथड से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा. दैट इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एसेप्टिक मैथड. द एंटीसेप्टिक मैथड इन सर्जरी हैज़ लेड ऑन टू द एसेप्टिक मैथड ऑफ टुडे. तो उससे पहले एंटीसेप्टिक मैथड यूज़ होता था जिसमें कार्बोलिक एसिड में चीज़ों को डुबो दिया जाता था. कार्बोलिक एसिड आपके जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता था, इसलिए उसको बहुत जल्दी तर्क कर दिया गया. तो एसेप्टिक मेथड की तरफ फिर ये बाद में रागब हो गए.
where the ideal is to keep the patient's skin free from germs. Aseptic method kya hai ke mareez ki skin mein koi germ na jane paaye, so that the living tissues need not be soaked. Soaked means drenched, dubona in carbolic, taake living tissues ko carbolic acid mein na dubona pade, which tends to destroy the tissues as well as the germ. जो कार्बोलिक एसिड थे वो टिश्यूज़ को भी नुकसान पहुंचाते थे और साथ ही साथ जर्म को भी वो नुकसान पहुंचाते थे. हैंस दो द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द डॉक्टर्स हैंड्स एंड एवरीथिंग एल्स आर रिगरसली डिसइनफेक्टेड, रिगरसली केयरफुली डिसइनफेक्टेड, प्योरीफाइड, स्टरलाइज्ड, यानी उनको बड़ी एहतियात से डॉक्टर के हाथों को और उनके जितने भी इक्विपमेंट होते हैं ऑपरेशन में यूज़ होने वाले उनको बड़ी एहतियात से डिसइनफेक्ट किया जाता है, उनको जरासीमों से पाक किया जाता है. द वूंड इज नॉट दस ट्रीटेड अनलेस इट बी एन ओल्ड वूंड ऑलरेडी इन्फेक्टेड. इस तरह से जो ज़ख़म है उसको ट्रीट नहीं किया जाता अंटिल और अनलेस ये बहुत पुराना ना हो और बहुत ज़्यादा ये उसमें इन्फेक्शन ना पैदा हो गई हो. द इनॉर्मस वैल्यू, इनॉर्मस मीन्स ग्रेट, बिग वैल्यू ऑफ दिस वर्क इज शोन बाई द फैक्ट दैट द डेथ रेट टूडे इन मेजर ऑपरेशन हैज़ फॉलन टू अबाउट 1%. पहले ये डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, अब असेप्टिक मेथड की वजह से हर चीज़ को स्टरलाइज कर लिया जाता है, जरासीमों से पाक कर लिया जाता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन की वजह से जो डेथ्स होती थी वो अब 1% से भी कम है. Two questions will be discussed here. Number one, for which achievement is Pasteur known best? Very important question from the examination point of view. How did farmers rear the silkworms? To return to Pasteur, the achievement. From here, question number one starts here. For which achievement is Pasteur known best? The achievement by which he is best known to the man in the street. यानी वो कौन सी अचीवमेंट थी जिसकी वजह से द मैन इन द स्ट्रीट ये एक एडियम भी है आम आदमी, कॉमन मैन, कि आम आदमी तक भी पैस्टर की शोहरत पहुंच गई. विज नेमली हिज वर्क ऑन डिजीज वाज लेड अप टू बाय एन इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन मींस एग्जामिनेशन, इंक्वायरी, इनटू विच ही वाज ऑलमोस्ट फोर्स्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट. असल में उस इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको फ्रेंच गवर्नमेंट ने मजबूर किया कि आप जो है आप इस पे काम करें. दिस वॉज द रिज़ल्ट ऑफ अ मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मीन्स पजलिंग, एपिडेमिक, एपिडेमिक मीन्स इन्फेक्शस डिजीज़, वबा जिसे कहा जाता है. किस किस्म की वबा? ऑफ सिल्क वॉर्म डिजीज़, रेशम के कीड़ों में एक अजीब सी बसलिंग किस्म की एक एपिडेमिक फैल गई थी, एक वबा फैल गई थी. विच फॉर 15 और 16 ईयर्स हैड बीन डेवस्टेटिंग, डेवस्टेटिंग मीन्स डिस्ट्रॉइंग द सिल्क इंडस्ट्री इन द साउथ ऑफ फ्रांस. तो ये वो बीमारी थी जिस पे उन्होंने काम किया था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए. नाउ द कीपिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स. फ्रॉम हियर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट्स, दैट इज़ व्हाई डिड फार्मर्स रेयर द सिल्क वॉर्म, हाउ डिड फार्मर्स रेयर द सिल्क वॉर्म्स. द कीपिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स वॉज वन ऑफ द चीफ होम इंडस्ट्रीज ऑफ पेजेंट्री, पेजेंट्री मीन्स फार्मर्स, ऑफ द पार्ट ऑफ फ्रांस. प्रैक्टिकली, practically means realistically, actually practically is a word that is included in your MDCAT vocabulary. Maine niche description link mein iske bahut se synonym aur antonym aur with other information likh diye hain, aap is video lecture ke baad unse istifada kar sakte hain. Practically every family set aside the best room in the house for the rearing. Rearing means raising, and tending, tending means caring of silkworms. The women got up even during the night to supply the worms with fresh mulberry trees. एक तो उन्होंने अपने अपने घर का बेहतरीन कमरा सिल्क वॉर्म्स के लिए रखा हुआ था. ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि हाउ डिड फार्मर्स रेयर द सिल्क वॉर्म्स. नंबर टू, विमेन
got up even during night to supply the worms with fresh mulberry leaves. शहतूत के पत्ते वो देखने के लिए उठती रात को कि उनके पास मुनासिब हैं. And to see that the temperature of the room was just right. और ये भी देखती थी कि टेम्परेचर मुनासिब है. In that region, the common greeting. Greeting means salutation. On meeting a friend is said to be not how do you do, but how are your silkworm doing. वहाँ लोग ये नहीं एक दूसरे पे पूछते थे, मिलने पे पूछते थे कि आपका क्या हाल है. वो अक्सर ये पूछते थे कि आपके रेशम के कीड़ों का क्या हाल है. We'll discuss two questions here. Number one, why were the eggs brought from other countries in 1849? Number two, what reduced the silk growers to despair and why? Until 1849, the industry had flourished. Flourished means phali-phuli, tarakki ki, progressed, consistently. Consistently means constantly. Yani 1849 tak ye industry, kaun si industry? Resham ke keede palne ki jo industry thi, wo musalsal tarakki kar rahi thi. But in 1849, from here, the question starts, that is question number one, why were the eggs brought from other countries in 1849? In 1849, the moths. Moths means insects, yani kide makode. Kaun se resham ke kide were attacked by disease. 1849 mein un pe ek bimari ne hamla kar diya. It was thought at first that the eggs were a fault. Shuru mein to ye samjha gaya ki shayad ando mein koi problem hai. And fresh ones were brought from other countries. And for one season, this cured the disease. To एक मौसम के लिए तो उसमें हल हो गया उस बीमारी का. बट इट री अपेयर्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ डिसेंडेंट्स. डिसेंडेंट्स मीन्स ऑफ स्प्रिंग, नस्ल ऑफ दीज इम्पोर्टेड वॉर्म्स. ये जो इम्पोर्ट किए गए थे अंडे, उनमें से जो पहली जनरेशन आई, फिर उनमें ये बीमारी फिर दोबारा जाहिर हो गई. एंड सो द इनहैबिटेंट्स. इनहैबिटेंट्स मीन्स नेटिव्स, लोकल, मुकामी लोग. Native is synonym of inhabitants, but I want to tell you, native is included in your MDCAT vocabulary, and all the words of this lesson that have been included in the MDCAT vocabulary, I have given all the synonyms and antonyms of these words in the description link below. You can also consult that. And so the inhabitants were driven to, forced to, वो मजबूर हो गए to import fresh eggs each year. तो वो हर साल नए अंडे मंगवाने के लिए मजबूर हो गए. Soon, from here, second question starts, that is, what reduced the silk growers to despair and why? Soon, however, the disease spread to neighboring countries until Japan was the only silk producing country from the disease. सिर्फ जापान एक ऐसा मुल्क था जो इस बीमारी से बच गया. इर्द गिर्द के जितने भी कंट्रीज थे उन सब में ये बीमारी फैल गई. This reduced the silk growers to despair. जिससे सिल्क ग्रोअर्स में, यानी रेशम के कीड़े पालने वालों में डिस्पेयर फैल गई, होपलेसनेस, मायूसी फैल गई. थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज वर फेस्ड विद रुअन. हज़ारों की तादाद में जो ख़ानदान थे वो डिस्ट्रक्शन का शिकार हो गए, तबाही का शिकार हो गए. Two questions will be discussed here. Number one, what did the government ask Pasteur to do in 1865 and what was his response? Number two, what was the message from the government for Pasteur? And things were so serious that in 1865, actually from here question number one starts, that is, what did the government ask Pasteur to do in 1865 and what was his response? In 1865, the government asked Pasteur to investigate the disease. Investigate, examine, inquire, inspect, कि वो इस पर मुतालिया करे, अपनी रिसर्च करे इस बीमारी पर, इस रेशम के कीड़े के हवाले से. At first he refused on the ground. उन्होंने इस बुनियाद पर इनकार कर दिया that he was a chemist and not a naturalist. कि वो तो एक कीमियादान है, वो माहिर हैवानात तो नहीं है. And had never touched a silkworm in his life. और उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में
कभी रेशम के कीड़े को हाथ तक नहीं लगाया, बट ही प्लीडेड इग्नोरेंस इन वेन. प्लीडेड मीन्स एडवोकेटेड. इग्नोरेंस अनअवेयरनेस, लेकिन उन्होंने जो वकालत की, अपनी बात की कि मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता, दैट वेंट इन वेन, यानी वो बेसूद साबित हुई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ. सो मच द बेटर, रिप्लाइड एम ड्यूमस. एम ड्यूमस ने जवाब दिया, हु बोर द मैसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट. बोर हेयर मीन्स कैरिड. जो गवर्नमेंट का मैसेज लेके आए थे कि ये तो अच्छी बात है, यू विल ओनली हैव द आइडियाज़ विच कम टू यू फ्रॉम योर ओन ऑब्जर्वेशन, कि आप सिर्फ उन आइडियाज़ पर काम करेंगे जो आपके अपने मुशाहदे पर मबनी होंगे. दिस कपल्ड विद द सिंपथी. सिंपथी का सिनोनिम है पिटी. फॉर द पीपल, यानी उन लोगों के साथ उनकी हमदर्दी. ऑफ़ द डेवस्टेटेड रीजन. डेवस्टेटेड मीन्स रुअंड. वो जो तबाहशुदा इलाके के लोग थे उनके साथ हमदर्दी में ये बात भी शामिल हो गई. ओवरकेम हिज रिलक्टेंस. रिलक्टेंस मीन्स अनविलिंगनेस, हेजिटेशन. यानी ये बात जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने की और फिर उनकी उन तबाहशुदा इलाकों के लोगों के साथ हमदर्दी ने उनकी इस हिचकिचाहट पर काबू पा लिया कि उनको तो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो नहीं जाएंगे. लेकिन फिर वो तैयार हो गए. एंड ही सेट आउट फॉर अलाइस, अ टाउन इन द सिल्क डिस्ट्रिक्ट. टू क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड हियर. Number one, what did Pasteur suggest the silkworm growers to find a remedy? Remedy of the disease of silkworms. Number two, how did Pasteur make the farmers familiar with the microscope? Now, earlier observers had noted microscopic grains or corpuscles in the bodies of the diseased worms. जो earlier observers थे उन्होंने इन बीमार रेशम के कीड़ों के जिस्मों में कुछ corpuscles, कुछ लिविंग सेल्स उनको मिले थे. बट नोबडी हैड सक्सीडेड इन फाइंडिंग अ रेमेडी. रेमेडी मीन्स क्योर, इलाज. लेकिन कोई भी इनका इलाज दरियाफ्त करने में कामयाब ना हो सका अनटिल Pasteur सजेस्टेड. फ्रॉम हियर क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट्स, दैट इज व्हाट डिड Pasteur सजेस्ट द सिल्क वॉर्म ग्रोअर्स टू फाइंड अ रेमेडी. Pasteur suggested collecting the eggs laid by each moth separately. उन्होंने उनको मशवरा दिया कि हर कीड़े के अंडों को अलग अलग किया जाए. And only keeping those derived from. Derived means obtained, got from healthy parents. जो सेहतमंद पेरेंट्स के अंडे हैं सिर्फ उनको रखा जाए, बाकी ज़ाय कर दिया जाए. डियर स्टूडेंट्स, आपने कुछ लाइनें या डिफरेंट कलर्स में देखी होंगी. असल में इस क्वेश्चन का हाफ आंसर यहाँ से शुरू होगा. हम यहाँ से फिर इधर आ जाएंगे. इन एडिशन ही डायरेक्टेड द सिल्क वॉर्म रेयरर्स अटेंशन. सिल्क वॉर्म रेयरर्स ग्रोअर्स, उनकी अटेंशन, उन्होंने तवज्जो इस जानब दिलाई. टू द नीड ऑफ अवॉइडिंग ओवर क्राउडिंग, के वो ओवर क्राउडिंग से, यानी बहुत ज़्यादा रेशम के कीड़े एक जगह ना रखे जाएं. अनक्लीनलीनेस, के अनक्लीनलीनेस नहीं होनी चाहिए. ओवर हीटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा हरारत नहीं होनी चाहिए. एंड अनहेल्थी कंडीशंस जनरली, और ओवरऑल अनहेल्थी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए. सिंस दीज वीकेंड द इंसेक्ट्स एंड मेड दैम मोर लाइबल टू द डिजीज़. लाइबल टू, वल्नरेबल, एक्सपोज्ड, जो उनको एक्सपोज करती है बीमारी के लिए, यानी वो ख़तरनाक हो जाते हैं कि ये अगर हम चीज़ें से अवॉइड करेंगे तो फिर रेशम के कीड़े सेफ रहेंगे. और उन्होंने इन्हीं पे अमल किया और रेशम के कीड़े सेहतयाब हो गए. तो ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक आने के बाद फिर इन एडिशन से स्टार्ट करके दोबारा से यहाँ तक जाएगा. और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द ओनली वे इन विच दिस कुड बी डन. दिस कुड बी डन से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होगा. दैट इज़ हाउ डिड Pasteur मेक द फार्मर्स फेमिलियर विद द माइक्रोस्कोप. इट वॉज नेसेसरी टू यूज़ माइक्रोस्कोप टू स्टडी द डिजीज, टू स्टडी द कार्पसल्स इन द सिल्क वॉर्म्स. सो दिस कुड बी डन वॉज बाई द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप.
तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल उसके लिए बहुत ज़रूरी था एंड पैस्टर रियलाइज्ड दैट दिस इंस्ट्रूमेंट वुड बी अ स्ट्रेंज एंड टेरिफाइंग थिंग टू द पेजेंट्स। पेजेंट्स मीन्स फार्मर्स। वो समझते थे कि किसान बेचारे सादा लाव देहाती हैं और उनमें से अक्सरियत तो अनपढ़ की थी, तो वो उनके लिए ये मशीन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल बहुत अजीब सा होगा, खौफनाक होगा उनके लिए, अजीब होगा, वो नहीं कर सकेंगे। तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा, सो ही ट्राइड टू रीअश्योर देम बाय टेलिंग देम दैट हिज लिटिल गर्ल ऑफ 8 years ओल्ड वाज क्वाइट एट होम विद इट। एट होम का सिनोनिम होगा कंफर्टेबल। उन्होंने बताया कि उनकी 8 साल बेटी बड़े आराम से इस पे काम कर सकती है, तो वो भी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और वो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करने लग गए, और इस तरह से उनको खुद पता चल जाता था कि अब क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या हल करना है। लेकिन साथ साथ उन्होंने इस जो सजेशंस थी पैस्टर की उन किसानों के लिए इन रेशम के कीड़ों के हवाले से, उन पे भी उन्होंने अमल किया और इस तरह से ये बीमारी बतदरीज कम होती गई। नाउ वी विल डिस्कस टू क्वेश्चंस हियर। नंबर 1, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट। नंबर 2, व्हाई डिड पैस्टर सफर फ्रॉम अ स्ट्रोक एंड व्हाट वाज इट्स इफेक्ट। फ्रॉम हियर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट्स, What was the result of this treatment? This treatment जो अभी उनको बताई, यानी वो suggestions और वो microscope का इस्तेमाल। This treatment, though it was not at once adopted. Adopted means practiced. उनको उन्होंने इख्तियार फौरी तो नहीं किया, was very successful in decreasing the epidemic. इस वबाई मर्ज को कम करने में बहरहाल ये बहुत हद तक कामयाब हुई। It has been estimated that before Pasteur came to the rescue, ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि Pasteur के वहाँ उनको rescue करने से पहले France had lost 40 million francs through silkworm diseases. 40 million francs का France नुकसान उठा चुका था। An even more important result of this work was that it led Pasteur on to the study the infectious diseases. Infectious means mutaddi, contagious, जो बीमारियाँ एक दूसरे को लग जाती हैं, of the higher animals including man. ताहम इस बात से, रेशम के कीड़ों पे काम करने से, पैस्टर के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इन रेशम के कीड़ों से हट के एनिमल्स, और जिसमें इंसान भी शामिल है, उनकी बीमारियों पर भी तहकीक करनी चाहिए ताकि उनकी बीमारियों का भी इलाज हो सके। From here, second question starts. That is very important question from the examination point of view. Why did Pasteur suffer from a stroke and what was its effect? It was during his work on the silkworm that Pasteur suffered from a stroke, the physical effects of which he never shook off. Shook off means get rid of. Got rid of, ये past tense है। तो जिसके जिस्मानी इसरात से वो कभी भी छुटकारा ना पा सके, उनको वहाँ अटैक हुआ, इस कदर उन्हें वहाँ काम करना पड़ा, काम की ज़्यादती की वजह से उन पे अटैक हो गया। It has been attributed, ascribed, इसकी वजह बताई जाती है किसको, to overwork on the silk problem, यानी सिल्क प्रॉब्लम पे, रेशम के कीड़ों पे इस कदर उनको काम ज़्यादा करना पड़ा जिसकी वजह से ये अटैक हुआ। Providentially means luckily, fortunately, खुशकिस्मती से, however, his mind was not injured. ताहम उनका जहन जो था, दिमाग जो था, वो इस अटैक से महफूज रहा, and in 1877, at the age of 55, he began to study the cattle disease named anthrax. तो 2 साल के बाद उन्होंने एंथ्रैक्स पे काम करना शुरू कर दिया। इट हैड ऑलरेडी बीन सजेस्टेड दैट दिस वाज ड्यू टू अ जर्म। ये पहले से लोगों ने इसके बारे में बातें हो रही थी, बताया था कि ये किसी जर्म की वजह से बीमारी आती है जानवरों की, एंथ्रैक्स जिसका नाम है। एंड पैस्टर फाइनली प्रूव्ड द ट्रूथ ऑफ दिस थ्योरी, और आखिरकार पैस्टर ने इस थ्योरी के सच को साबित कर दिया कि वाकयातन ऐसा ही है, ये जो एंथ्रैक्स बीमारी है जानवरों की, ये एक जर्म की वजह से ही होती है। एंड फर्दर वर्कड आउट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। प्रिवेंटिव मीन्स प्रोटेक्टिव, प्रिकॉशनरी भी इसका सिनोनिम हो सकता है।
और जो इसकी हिफाजती इसका जो तरीका इलाज था उस पर भी उन्होंने काम किया। हेयर वील डिस्कस वन क्वेश्चन, हाउ डिड ही कल्टिवेट एंथ्रैक्स बैसिलस। ही कल्टिवेटेड, कल्टिवेटेड मीन्स ग्रू, ब्रेड, उन्होंने पाला, तैयार किया द एंथ्रैक्स बैसिलस इन सच अ वे दैट इट बिकेम ओनली माइल्डली पॉइजनस। माइल्डली स्लाइटली, यानी उसका जो जसोमा था उसको इस तरह से उन्होंने कल्टिवेट किया, तैयार किया, पाला कि वो कम जहरीला हो गया। एंड प्रूव्ड दैट दीज वीकेंड जर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एनिमल्स ब्लड। और उन्होंने फिर ये साबित किया कि अगर ये वीकेंड जर्म, यानी वो जो कम जहरीले रह गए थे, उनको अगर किसी जानवर के ब्लड में, खून में शामिल कर दिया जाए, गेव राइज टू ओनली स्लाइटली सिम्टम्स ऑफ एंथ्रैक्स। सिम्टम्स मीन्स इंडिकेशंस के इस तरह से वो जानवर एंथ्रैक्स के मामूली से जो इलामतें हैं वो जाहिर होती हैं। एंड प्रोटेक्टेड द एनिमल फ्रॉम टेकिंग द डेडली फॉर्म। डेडली मीन्स फेटल, यानी वो मोहलक सूरत हाल इख्तियार करने से जानवर को बचा लेती हैं। मच इन द सेम वे एज वैक्सीनेशन प्रिवेंट्स स्मॉल पॉक्स, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स यानी चीचक की बीमारी से महफूज कर देती है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही वैक्सीनेशन की तरह का ही उसने काम किया। दिस प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट हैज़ सेफ गार्डेड प्रोटेक्टेड, इस हिफाजती इलाज ने महफूज कर दिया मिलियंस ऑफ शीप एंड कैटल फ्रॉम द डिजीज़, लाखों की तादाद में भेड़ों को और जानवरों को इस बीमारी से महफूज कर दिया। रिपोर्ट्स फ्रॉम फ्रांस एंड हंगरी शो दैट ऑन मैनी फॉर्म्स द डेथ रेट फ्रॉम एंथ्रैक्स हैज़ फॉलन फ्रॉम 10% टू 1% अमंग शीप, यानी भेड़ों में 10-1% तक कमी हो गई, एंड फ्रॉम 5% टू लेस देन 1% अमंग कैटल, और दूसरे जानवरों में 5% से 1% तक वो उनकी बीमारियां कम हो गईं, वो कम बीमार हुए। इस तरह से लाखों जानवरों को एंथ्रैक्स की बीमारी से बचाया गया। Here we'll discuss one question, that is what was the next stage of Pasteur's work. The whole paragraph is the answer of this question. And this brings us to the next stage of Pasteur's work, that on human diseases. Overcoming his dislike of seeing suffering, मुसीबत को देखने को, लोगों को मुसीबत में देखने को वो सख्त नापसंद करते थे, लेकिन अपनी इस बात पर काबू पाते हुए he visited hospitals. उन्होंने कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, collecting infectious matter from patients. वो मरीज़ जो इन्फेक्शन का शिकार हो चुके थे उनसे उन्होंने नमूने हासिल किए, examining it microscopically and identifying the germs associated with various diseases. Associated, related, उनको वो माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करते और डिफरेंट जर्म्स जो मुख्तलफ बीमारियों के साथ मुंसलिक होते उनको वो आइडेंटिफाई करते, उनकी आदात के बारे में पढ़ते। दैट इज़ एट द टाइम द मैटरनिटी हॉस्पिटल्स वर डेवस्टेटेड, तबाह हो चुके थे, रुअंड, डिस्ट्रॉयड भी इसका सिनोनिम हो सकता है, बाई प्योरपिरल फीवर। प्योरपिरल फीवर मीन्स लेबर पेन, यानी जिचगी की बीमारी। डिलीवरी के दौरान बहुत सी खातीन इस बीमारी यानी प्योरपिरल फीवर, जिचगी की बीमारी का शिकार हो जाती थीं और फौत हो जाती थीं इन एवरी कंट्री। और ये मामला सारी दुनिया के ममालिक में था। एंड एन अपॉलिंग नंबर ऑफ वीमेन, अपॉलिंग मीन्स horrifying, terrifying. Dear student, it is in purple color, so this word is particular for MDCAT vocabulary. So try to learn and collect as many synonyms and antonyms of appalling as possible. I have given all the words for MDCAT vocabulary from this lesson in the description link below, and with a lot of synonyms and antonyms you can also consult the description link after this video lecture. And an appalling number of women died from the disease. यानी ख़तरनाक हद तक खातीन जो फौत हो जाती थी उनकी तादाद हो गई थी. Pasteur discovered its germ and an interesting little episode.
Episode means incident, event, is recorded by M. Ru in connection with the discovery. यानी इस discovery के साथ मुंसलिक एक बड़ा ही interesting जो वाकया था वो M. Ru ने उसको record किया है. One question will be discussed here. How did Pasteur interrupt the distinguished authority who was discussing puerperal fever? प्योरपरल फीवर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. जिचगी की बीमारी, लेबर पेन जो औरत बर्दाश्त करती है डिलीवरी के दौरान, उस वक्त एक बीमारी का शिकार हो जाती थी खातीन जिसका नाम था प्योरपरल फीवर. उसके बारे में ये एक इंटरेस्टिंग पैराग्राफ होने जा रहा है. One day at a discussion on puerperal fever which was taking place at the Academy of Medicine. Academy of Medicine में puerperal fever के बारे में एक discussion जारी थी. While one of the most distinguished authorities, distinguished means notable, eminent, एक बहुत ही काबिल, बहुत ही मशहूर जो शख्सियत थे, was eloquently, fluently, articulately, discanting means making speech, discussing on the causes of epidemics of this disease at maternity hospitals. जो maternity hospitals में इस बीमारी की वबा की वजूहात के बारे में एक तकरीर फरमा रहे थे और बड़ी फसाहत से तकरीर कर रहे थे. He was suddenly interrupted. Interrupted means checked, interfered, उनको रोका गया by Pasteur as follows. तो पैस्टर ने कहा, इट इज़ नथिंग ऑफ ऑल दैट विच कॉजेज द एपिडेमिक, इट इज़ द डॉक्टर एंड हिज बिलोंगिंग्स विच कैरी द जर्म्स फ्रॉम डिजीज्ड टू द हेल्थी वुमन. उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है जो इस वबा की वजह बनते हैं, यानी आप जो फरमा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये असल में डॉक्टर और उसके इक्विपमेंट्स हैं जो एक बीमार खातून से जरासीम एक सेहतमंद खातून को मुंतकल कर देते हैं. एंड व्हेन द स्पीकर रिप्लाइड विद द सुपीरियॉरिटी, सुपीरियॉरिटी मीन्स सुप्रामेसी, डोमिनस, किसी कदर राउनत के साथ वो बोले होंगे, विच वी कैन ऑल इमेजिन, जिसका हम तमाम तसव्वुर कर सकते हैं, दैट ही वॉज अफ्रेड दे वुड नेवर डिस्कवर दैट माइक्रोब. तो उन्होंने कहा कि उन्हें खदशा है कि वो कभी भी इस बीमारी के जरासीम को दरियाफ्त नहीं कर पाएंगे. तो पैस्टर ने क्या किया, पैस्टर रश्ड टू द ब्लैक बोर्ड एंड ड्रू द जर्म सेइंग, वो फौरन ब्लैक बोर्ड की तरफ भागे और उस जर्म की पिक्चर भी बना दी जिसके बारे में वो साहब कह रहे थे कि उन्हें खदशा है कि वो कभी भी इसका जो जरासीम है उसको डिस्कवर नहीं कर पाएंगे. तो उन्होंने पिक्चर बना के कहा, स्टॉप, हियर इज़ इट्स पिक्चर, ये लें, ये इसकी पिक्चर है. नाउअडेज थैंक्स टू पैस्टर एंड लिस्टर एपिडेमिक्स ऑफ दिस डिजीज़ इन मैटरनिटी हॉस्पिटल्स आर अननोन, कि इस बीमारी की जो वबा है वो इन हस्पतालों में बिल्कुल भी नापैद है, लोग उसका नाम तक भी नहीं जानते. नाउ वील डिस्कस वन क्वेश्चन हियर, दैट इज़ हाउ डिड पैस्टर डिस्कवर द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन. We now come to know how he discovered the method of making vaccine, that is weakened germs which can be inoculated, injected, यानी किसी भी बीमारी के कमज़ोर किए गए जरासीमों को इंजेक्शन के ज़रिए इन मेजर्ड क्वान्टिटीज, एक नपीतुली मकदार में इंजेक्शन के ज़रिए इनटू ह्यूमन बीइंग्स में, इंसानों में उनको टीके के ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए इंजेक्ट कर दिया जाता है एज अ क्योर. क्योर मीन्स रेमेडी, ट्रीटमेंट, इलाज के तौर पर, आर प्रिवेंटिव. प्रिवेंटिव का मतलब होता है प्रिकॉशनरी, प्रोटेक्टिव, या एहतियाती तदाबीर के तौर पर ऑफ द डिजीज़ कॉज्ड बाय द ऑर्डिनरी अनवीकंड जर्म्स, यानी वो जो आम गैर कमज़ोर किए गए यानी सेहतमंद जरासीम की वजह से जो बीमारी फैलती है, तो उसी बीमारी के कमज़ोर जरासीम जब मेजर्ड क्वांटिटीज़ में इंजेक्शन के ज़रिए इंसानों में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं तो वो उस बीमारी के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पैदा करते हैं और उस बीमारी के सेहतमंद जरासीम के ऊपर काबू पा लेते हैं और इंसान ठीक हो जाता है. हेयर वील डिस्कस टू क्वेश्चंस, दैट इज़,
What did he find on his return from a holiday? And what did he find when he inoculated various birds with dying germs? Question number 2. How did he arrive at the idea of attenuating germs? Attenuate ka matlab hota hai kamzor kar dena, weaken. Here question number 1 starts, that is, what did he find on his return from a holiday and inoculated various birds with dying germs? He had gone away from his laboratory for a holiday. Ek din ki chutti par apni laboratory se kahin gaye in 1879. Whilst working on a foul cholera. Foul cholera, परिंदों की एक हैजे की बीमारी, उस पर काम कर रहे थे, तो एक दिन की छुट्टी पे उन्हें जाना पड़ा. And on his return, found all his cultivations of the germs dead or dying. वो जो उन्होंने जरासीम पाले थे वो या तो मुर्दा हो गए थे या वो मरने के करीब थे, इंतहाई कमज़ोर हो गए थे. तो फिर उन्होंने क्या किया, ही प्रोसीडेड टू इनाकुलेट वेरियस बर्ड्स. उन्होंने मुख्तलफ जानवरों को इंजेक्शन के ज़रिए ये जो डेड आर डाइंग जर्म्स थे वो लगा दिए. विद दोज डेड आर डाइंग जर्म्स एंड फाउंड दैट द बर्ड्स शोड साइंस ऑफ इलनेस. तो उन्होंने देखा कि उन परिंदों में उस बीमारी की इलामात ज़ाहर हो गई हैं, बट रिकवर्ड, लेकिन वो सेहतयाब हो गए. The idea then occurred to him of inoculating them with a fresh lot of virulent germs. Virulent means poisonous, lethal, dangerous, खतरनाक, जहरीले germs of chicken cholera. तो परिंदों की हैजे की बीमारी के सेहतमंद जरासीम लगाने का उन्हें ख्याल आया. पहले तो वो dead और dying germs injection के ज़रिए परिंदों में लगाए थे, तो उन परिंदों ने अलामात ज़ाहर की लेकिन वो ठीक हो गए, बट दे रिकवर्ड. फिर उनके जहन में आया, क्यों ना अब जो सेहतमंद जरासीम है चिकन कॉलरा के, यानी परिंदों की हैजे की बीमारी के, वो इंजेक्ट किए गए. एंड ही वॉज अमेज्ड एट द रिज़ल्ट. तो उनके नतायज देखकर वो हैरान रह गए. वेज दैट द बर्ड्स स्टिल रेजिस्टेड द डिज़ीज़, के वो परिंदे जिनको पहले इंजेक्शन लगाए गए थे कमज़ोर जरासीम के, वो अभी भी, उन्होंने इस बीमारी के ख़िलाफ़ मुदाफियत की, वो जिंदा रहे. दो अदर्स विच हैड नॉट बीन प्रीवियसली डोज्ड विद एग्जॉस्टेड जर्म्स, एग्जॉस्टेड मीन्स वीकेंड जर्म्स, डाइड. जबकि वो परिंदे जिनको वो कमज़ोर किए गए जरासीम इंजेक्शन के ज़रिए नहीं लगाए गए थे वो मर गए. जिन परिंदों को ये वीकेंड जर्म्स इंजेक्शन के ज़रिए पहले लगाए गए थे उनको जब ख़तरनाक जरासीम, जहरीले जरासीम चिकन कॉलरा के लगाए गए तो वो बच गए. जिनको पहले कमज़ोर जरासीम इंजेक्शन के ज़रिए नहीं लगाए गए थे वो मर गए. तो यहाँ तक ये क्वेश्चन एंड हो जाता है. सो ही अराइव्ड, ही अराइव्ड से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है. दैट इज़ हाउ डिड ही अराइव एट द आइडिया ऑफ अटैनुएटिंग जर्म्स. ही अराइव्ड एट द मेथड ऑफ अटैनुएटिंग जर्म्स. अटैनुएटिंग मीन्स वीकनिंग, कमज़ोर कर देना. दैट इज़ ऑफ कल्टिवेटिंग दैम, कल्टिवेटिंग ग्रोइंग, ब्रीडिंग, पालना them so that they were weakened. उनको इस तरीके से कल्टिवेट करना कि वो कमज़ोर हो जाएं. And also at the fact, और उनको इस हकीकत का भी पता चला, that such germs inoculated into a healthy animal produced a mild type of illness, mild minor. के उनको इस हकीकत का भी पता चला कि जब इन जर्म्स को एक सेहतमंद जानवर में इंजेक्शन के ज़रिए लगा दिए जाते हैं, इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, तो उस जानवर में उस बीमारी के हल्के से जो एक बीमारी पैदा होती है, विच प्रोटेक्टेड द एनिमल फ्रॉम अटैक बाय द विरुलेंट फॉर्म ऑफ द डिज़ीज़. तो जो उन जानवरों को उस बीमारी के जहरीले जरासीम के हमले से महफूज कर देती हैं. Two questions will be discussed here. What was the first human disease to which Pasteur applied inoculation? वो पहली इंसानी बीमारी कौन सी थी जिसके लिए Pasteur ने इंजेक्शन का इस्तेमाल किया? Question number 2. What is hydrophobia and what are its symptoms? The first human disease to which Pasteur applied inoculation. यहाँ से question number 1 start होगा. That is, what was the first human disease to which Pasteur applied inoculation? The first human disease to which
Pasteur applied inoculation. Inoculation means vaccination, injection, was hydrophobia or rabies. हाइड्रोफोबिया और रेबीज बाउलेपन की एक बीमारी है जो अभी पता चलता है कि वो क्यों फैलती है. द हॉरिबल इलनेस प्रोड्यूस्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग. ये एक खौफनाक बीमारी है जो पागल कुत्ते के काटने से हो जाती है. यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि हाइड्रोफोबिया वो पहली बीमारी थी जिसे रेबीज भी कहा जाता है, जिसके लिए पैस्टर ने इंजेक्शन का इस्तेमाल किया, और ये कैसे होती है, ये पागल कुत्ते के काटने से स्टार्ट होती है. टू गिव वन सम आइडिया ऑफ इट्स हॉरर्स, इसके खौफ के बारे में आइडिया देने के लिए वन नीड्स ओनली रीड सच डिस्क्रिप्शंस डिटेल्स एज द फॉलोइंग. आपको सिर्फ ये डिटेल्स, ये तफसीलात पढ़नी है जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि यह किस कदर खौफनाक है. अ चाइल्ड ऑफ 5 एडमिटेड टू अ फ्रेंच हॉस्पिटल, एक 5 साल का बच्चा जिसको बदकिस्मती से पागल कुत्ते ने काट लिया था, फ्रेंच हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके साथ क्या हुआ देखते हैं. दी अनफॉर्चुनेट लिटल पेशेंट प्रेजेंटेड मीन्स शोड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफोबिया. Now here the characteristics say, question number 2 start hoga, what is hydrophobia and what are its symptoms. Lekin is question ka answer dene ke liye aap yahan se shuru karenge. Hydrophobia or rabies is aap yahan add karenge, is the horrible illness produced by the bite of a mad dog. Uske baad aap yahan aa jayenge, yahan se is question ka jo rest of the answer hai yahan se likhna shuru karenge. The characteristics of hydrophobia are, यहाँ R आप ऐड करेंगे. नंबर 1 spasm. स्पैज्म कहते हैं शार्प पेंस, तकलीफ को, इंतहाई तकलीफ को. रेस्टलेसनेस, बेआरामी पैदा होती है. शडर्स एट द लीस्ट ब्रेथ ऑफ एयर, ट्रेम्बलिंग के हल्की सी हवा के झोंके से भी कपकपाहट तारी हो जाती है. एन आर्डेंट, आर्डेंट मीन्स सुवेयर थर्स्ट, इंतहाई ज़्यादा प्यास लगती है. Accompanied with an acute, absolute, complete impossibility of swallowing. Swallowing means absorbing, के निगलने की बिल्कुल भी सकत नहीं रहती. Convulsive movements, convulsive means jerky, violent, बड़ी शदीद किस्म की बच्चा हरकत करता है या पेशेंट हरकत करता है. Fits कहते हैं attacks को. Fits of furious rage, fierce anger, इंतहाई ज़्यादा गुस्सा आ जाता है पेशेंट को. द चाइल्ड डाइड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ हॉरिबल सफरिंग, सफोकेटेड मीन्स चोक्ड, गले का घुट जाना. बाई द म्यूकस मीन्स सलाइवा विच फिल्ड द माउथ, सलाइवा जो बलगमी झाग होती है वो मुंह के अंदर पैदा हो जाती है. यानी म्यूकस का पैदा होना भी ये हाइड्रोफोबिया या रेबीज की बीमारी की सिम्टम्स में से एक सिम्टम है. नाउ वील डिस्कस वन क्वेश्चन हियर, हाउ डिड पैस्टर एटेनुएट द जर्म ऑफ हाइड्रोफोबिया. हाइड्रोफोबिया के जरासीम को कैसे कमज़ोर किया गया. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स जर्म हैज़ नेवर बीन फाउंड. हकीकत यह है कि इसका जरासीम दरियाफ्त ही नहीं हुआ. But it was known that the part of the body affected in hydrophobia was the nervous tissue. लेकिन ये पता चल गया कि हाइड्रोफोबिया में जो जिस्म का हिस्सा असर लेता है, अफेक्ट होता है, वो आसाबी बाफत है, नर्वस टिश्यू है. एंड पैस्टर ट्राइड टेकिंग सम ऑफ द नर्वस टिश्यू ऑफ एन एनिमल विच हैड डाइड ऑफ द डिजीज़. और पैस्टर ने एक ऐसे जानवर को ढूंढ निकाला जो इस बीमारी यानी हाइड्रोफोबिया की बीमारी की वजह से मर गया था. एंड एटेनुएटिंग इट वीकनिंग इट, उसको कमज़ोर कर दिया. विच ही फाउंड कुड बी डन एक्सपोजिंग द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द रैबिट्स टू ड्राई एयर. तो उनको पता चला कि ये आसान है कि अगर आप रैबिट्स हैं, हाइड्रोफोबिया की शिकार जो खरगोश हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी को खुश्क हवा में रखने से वो उसको कमज़ोर किया जा सकता है. विच वीकेंड इट अनटिल आफ्टर 14 डेज इट वॉज हार्मलेस, जिसने उसको कमज़ोर कर दिया और 14 दिन के बाद ये हड्डी बिल्कुल गैर मुज़िर हो गई, बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं रही.
The attenuated spinal cord introduced into dogs. इस कमज़ोर की गई रीढ़ की हड्डी को इंजेक्शन के ज़रिए into dogs कुत्तों में लगाया गया तो क्या हुआ? Rendered them, made them immune. Immune means protected to hydrophobia, जिसने उन कुत्तों को हाइड्रोफोबिया से महफूज बना दिया. One question will be discussed here, when and how did Pasteur cure the first patient of hydrophobia? Very important and informative question is going to be discussed now. But the treatment was not tried on human beings till 1885 when a boy Joseph Meister. Actually yahi se is question ka answer start hoga. When and how did Pasteur cure the first patient of hydrophobia? Till in 1885 a boy Joseph Meister was brought to Paris for treatment from a little place of Alsace. Alsace is in the northeastern part of France. वहाँ से एक छोटी सी जगह से एक बच्चे को लाया गया. He had been bitten by a mad dog 2 days before. जिसे 2 दिन पहले एक पागल कुत्ते ने काट लिया था. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बिफोर के यूज़ का बताना चाहता हूँ कि ये उस वक्त यानी 1885 में ये माजी का हिस्सा हो गया. उससे 2 दिन पहले ये काटा गया था, इसलिए यहाँ बिफोर यूज़ हुआ है. यानी अरसे में माजी में कोई हवाला हो और उससे पीछे अरसे के बारे में बताया जाना मकसूद हो तो हम बिफोर यूज़ करेंगे. जैसे यहाँ लिखा गया है, ही हैड बीन बिटन बाई अ मैड डॉग बाय 2 days बिफोर. अगर अरसे को मौजूद लम्हे से काउंट करना हो तो फिर अगो यूज़ होगा. जैसे मैं कहूँ वो 2 दिन पहले लाहौर चला गया, यानी अब से 2 दिन पहले लाहौर चला गया. ही वेंट टू लाहौर 2 days अगो. तो ये 1885 में 2 दिन पहले ये वाकया हुआ था तो वहाँ फिर हम बिफोर यूज़ करेंगे. अगर अरसे की इंग्लिश अब से 2 दिन पहले करनी हो, मौजूद लम्हे से 2 दिन पहले करनी हो तो अगो यूज़ करेंगे, AGO. Now human beings do not as a rule develop hydrophobia for a month or so after being beaten. अब असूलन पागल कुत्ते के काटे जाने से को तकरीबन 1 माह तक इंसान जो हैं वो हाइड्रोफोबिया का शिकार नहीं होते, हाइड्रोफोबिया में मुब्तला नहीं होते. एंड Pasteur being as usual extremely anxious. Extremely means very anxious, बहुत ज़्यादा बेचैन रहते थे. To ward off suffering, ward off remove, इसको stop भी कह सकते हैं, रोकना. suffering कह सकते हैं pain को, यानी कि वो तकलीफ़ को रोकने के लिए, तकलीफ़ को कम करने के लिए हमेशा बेचैन रहने वाले Pasteur ने क्या किया? undertook the treatment of the boy, यानी Joseph Meister का इलाज शुरू कर दिया by inoculations. Inoculations, injections के ज़रिए से, vaccination के ज़रिए से, which were continued for 10 days, और 10 दिन तक उनको वो injection लगाते रहे. Meanwhile, the boy was hardly ill at all, और इस अरसे में लड़का बिल्कुल भी बीमार नहीं हुआ, and played about the laboratory very happily, और लेबॉरेटरी में इधर उधर वो खेलता घूमता फिरता रहता, खेलता रहता. Though Pasteur was devoured, devoured means overwhelmed, कंज्यूम्ड, बड़े मगलूब हो गए थे, खौफजदा हो गए थे, by fears and anxiety about the results, यानी उन injections के results के बारे में वो बहुत ज़्यादा खौफ और बेचैनी की वजह से मगलूब हो गए थे, वो डर गए थे. However, the boy was absolutely cured, ताहम वो बच्चा बिल्कुल क्योर हो गया, recovered हो गया, ठीक हो गया, सेहतयाब हो गया. ये वो पहला इंसानी पेशेंट था Joseph Meister जिसको हाइड्रोफोबिया हुआ था और Pasteur ने इंजेक्शंस के ज़रिए से इस बच्चे को ठीक कर दिया. Two questions will be discussed here. Number one, give a brief account of the patients who were cured of hydrophobia. Number two, how did Pasteur's success stir up other scientists? Both the questions are very important from the examination point of view. And 2 months later, 2 months se question number one start hoga, that is, give a brief account of the patients who were cured of hydrophobia. 2 months later, a shepherd, गडरिया को कहते हैं, who had been bitten by a mad dog, was similarly cured.
जिसको पागल कुत्ते ने काट लिया था, उसका इलाज भी ऐसे ही किया गया जैसे पहले इंसानी मरीज जोसेफ मीस्टर का इलाज किया गया था। एंड 3 months लेटर 350 केसेस हैड बीन ट्रीटेड, और 3 माह तक 350 मरीज का इलाज किया गया विद ओनली 1 death, उनमें सिर्फ 1 मौत वाकया हुई। By 1899, more than 23,000 people had undergone the treatment, और 1899 तक 23,000 मरीजों का इलाज किया गया। And the number today must be larger still, और आज तो इनकी तादाद और भी बहुत ज़्यादा होगी। The deaths amongst these were less than 0.5%, और इनमें जो death ratio थी वो 0.5% से भी कम थी। And there is no doubt that many of the rest were saved from the terrible death by Pasteur's work. But though this was the last of Pasteur's great discoveries, agarche ye Pasteur ki azim daryafton mein se ye aakhri daryaft thi, yani pagal kutte ke kaatne ka ilaaj, hydrophobia ka ilaaj, its results were by no means limited to cure of hydrophobia. के लेकिन इनके जो नताइज थे वो किसी लिहाज से भी सिर्फ हाइड्रोफोबिया के इलाज तक महदूद नहीं थे। फॉर द फेम ऑफ हिज सक्सेस, द फेम ऑफ हिज सक्सेस से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा, दैट इज हाउ डिड पैस्टर्स सक्सेस स्टर अप अदर साइंटिस्ट्स, किस तरह से पैस्टर की कामयाबी ने दूसरे साइंसदानों में तहरीक पैदा की, उनके अंदर शौक और वलवला पैदा किया। The fame of his success stirred up, stimulated, inspired other scientists to try similar methods. दूसरे साइंसदानों में तहरीक पैदा की, उनमें शौक पैदा किया, जज्बा पैदा किया कि वो भी ऐसे ही तरीके दरियाफ्त करें, कोशिश करें फॉर अदर डिजीज़, दूसरी बीमारियों के लिए, हाइड्रोफोबिया के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, उनके लिए कोशिश करें। एंड इन द 10 years बिटवीन 1880 एंड 1890 दे डिस्कवर्ड द जर्म्स ऑफ कंजम्पशन, उन्होंने यानी दूसरे साइंसदानों ने कंजम्पशन यानी टीबी के जरासीम दरियाफ्त कर लिए, डिफ्थेरिया खुन्नाक के, टाइफाइड के, लॉक जॉ, लकवा की बीमारी, कॉलरा, हैज़ा एंड माल्टा फीवर और माल्टा बुखार के जरासीम दरियाफ्त कर लिए। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और यकीनन इन कामयाबियों का सेहरा पैस्टर के सर जाता है। वन क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड हियर, When was antitoxin discovered and what did it cure? In 1893, the antitoxin means antidote, तरियाक को कहते हैं, उस जहर को कहते हैं जिस जहर से बीमारी का इलाज किया जाता है। तो in 1893, the antitoxin which cures diphtheria was covered. वो एंटीडोट जो डिफ्थेरिया को ठीक करता है यानी खुन्नाक की बीमारी को ठीक करता है, वो डिस्कवर किया गया। एंड ऑल्सो द प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट, प्रोटेक्टिव मीन्स प्रिकॉशनरी, प्रिवेंटिव, हिफाजती ट्रीटमेंट फॉर कॉलरा और हैज़ा की बीमारी का भी एक एहतियाती जो इलाज था वो दरियाफ्त कर लिया गया, एंटीटॉक्सन दरियाफ्त कर लिया गया। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द एंटीटॉक्सन 30.4% ऑफ डिफ्थेरिया पेशेंट्स डाइड, इस एंटीडोट की दरियाफ्त से पहले, इस तरियाक, इस जहर के दरियाफ्त से पहले 30.4% खुन्नाक के जो पेशेंट थे वो मर जाते थे। नाउ 8.3% डाई, और ये बहुत कम रेशो हो गई है। इन 1894-95 द जर्म्स ऑफ प्लेग एक इन्फेक्शस डिजीज़ है, ताउन जिसे कहा जाता है, चूहों के वजह से फैलती है, एंड ऑफ द सीसी फ्लाई डिजीज इन एनिमल्स वर फाउंड, और 1894-95 में जो प्लेग की बीमारी के जर्म और सीसी फ्लाई की वजह से पैदा होने वाली जो बीमारी है उसके जो जर्म थे वो डिस्कवर कर लिए गए, दरियाफ्त कर लिए गए। एंड इन 1896-97 द प्रोटेक्टिव इनाकुलेशन ट्रीटमेंट्स फॉर टाइफाइड एंड प्लेग वर डिस्कवर्ड विद द रिजल्ट दैट इन ग्रेट वॉर देयर वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरीली अनयूजुअली अमेजिंगली लिटल टाइफाइड
in our army compared with the amount of the disease which had occurred in the earlier campaigns. Campaigns means battles. यानी ग्रेट वॉर में टाइफाइड बहुत कम रह गया हमारी आर्मी में अगर उनका मुकाबला उससे पहले जंगों में किया जाए. सच एज द बोअर वॉर. बोअर वॉर जब स्टार्ट हुई थी तो वहाँ इस ये बहुत ज़्यादा टाइफाइड बीमारी फैली थी, जबकि ग्रेट वॉर में, वर्ल्ड वॉर वन में जो टाइफाइड बीमारी थी वो इंतहाई हद तक कम हो गई थी. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बोअर वॉर एक्चुअली है क्या. Boer War was fought from October 11, 1899 to May 31, 1902 between the Great Britain and the two Boer African republics, that is the South African Republic and the Orange Free State. ये जो डच थे वो साउथ अफ्रीका में जाके आबाद हो गए थे, तो उनकी जंग हुई थी ग्रेट ब्रिटेन से. अल्टीमेटली ग्रेट ब्रिटेन ने ये जंग जीत ली थी. तो तब ये टाइफाइड फीवर बहुत ज़्यादा था ग्रेट वर्ल्ड वॉर की निस्बत. तब क्योंकि तब तक इस बीमारी की जो ट्रीटमेंट थी, इस बीमारी की जो एंटीटॉक्सन थी वो दरियाफ्त हो चुकी थी. इन इंडिया ड्यूरिंग 1913 93% ऑफ द ब्रिटिश गैरिजन. गैरिजन मीन्स बैरक्स, क्वार्टर्स. यहाँ सोल्जर्स भी कह सकते हैं वर इनाकुलेटेड. जो ब्रिटिश आर्मी के पर्सनल थे, जो ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स थे, उनको ये इनाकुलेट किया गया, इंजेक्शन के ज़रिए ये दिए गए. एंड डेथ्स फ्राम टाइफॉइड फेल फ्राम यूजुअल 300 टू 600 टू ओनली 20. इससे पहले 1913 से पहले जब तक ये इंजेक्शन के ज़रिए इसका इलाज नहीं किया गया था, ये वैक्सीनेशन नहीं लगाई गई थी, तो 300 से 600 तक लोग जो थे, ख़ासतौर पे फ़ौजी, वो मर जाते थे. फिर सिर्फ 20 नंबर उनका रह गया जो इस मौत का शिकार हुए. टू क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड हियर. हाउ डिड इंग्लैंड बैनिश एग्यू फ्रॉम द मलेरियल डिस्ट्रिक्ट्स? Very important question. And how can we fight against malaria? Very informative and important question. Question number one starts here. How did England banish ague from the malarial districts? In 1898 to 1900, it was proved that malaria and yellow fever were conveyed by mosquitoes. ये तो पता चल गया कि मलेरिया और जो जर्द बुखार है वो मच्छरों की वजह से फैलता है. नाउ मलेरिया ईच ईयर किल्स मिलियंस ऑफ मैन एंड वीकन्स मिलियंस मोर. और ये अब मिलियंस की तादाद में लोगों को मार देता है और मिलियंस की तादाद में ये कमज़ोर भी कर देता है. इट वॉज रैम्पेंट इन इंग्लैंड. रैम्पेंट मीन्स वाइड स्प्रेड इन इंग्लैंड अंडर द नेम ऑफ एग्यू टेल कंपैरेटिवली रिसेंटली. एक बीमारी है जो हाल ही तक ये बहुत बड़े लेवल पे इंग्लैंड में फैली हुई थी. इट वॉज बैनिश्ड. तो इसका ख़त्म कैसे किया गया? बैनिश्ड, अपरूटेड. इसको ख़त्म किया गया बाय ड्रेनिंग द मलेरियल डिस्ट्रिक्ट्स. वो इलाके जहां मलेरिया फैला हुआ था उनको खुश्क कर दिया, वहां से पानी को बिल्कुल निकाल दिया गया. नाउ दैट वी नो. यहां तक इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर वन का. नाउ दैट वी नो द कॉज ऑफ द डिजीज, वी कैन फाइट इट इन टू वेज. फ्रॉम हियर क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट्स. हाउ कैन वी फाइट अगेंस्ट मलेरिया? वी कैन फाइट इट इन टू वेज. हम दो तरीकों से मलेरिया के साथ जंग कर सकते हैं. नंबर वन, डिस्ट्रॉइंग द ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ द मॉस्किटो, कि वो जगहें जहां मॉस्किटो पैदा होते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए. एंड बाई प्रोटेक्टिंग मैन फ्राम द बाइट ऑफ द मॉस्किटो. और दूसरा तरीका यह क्या है कि हम इंसान को महफूज बना दें कि मॉस्किटो इंसान को काट ही ना सके. तो इन दो तरीक़ों से हम मॉस्किटो से पैदा होने वाली बीमारी मलेरिया से लड़ सकते हैं. और इसके साथ हिफाजती इंतज़ाम क्या हो सकते हैं? दस एवरी पडल. पडल मीन्स पूल, पौंड, तालाब. ऑफ स्टैंडिंग वाटर एवरी पौंड एट्सेट्रा शुड बी ड्रेन्ड आर ऑयल.
यानी हर तालाब या हौज को या तो खुश्क कर दिया जाए या उसके ऊपर तेल छिड़क दिया जाए। एक तो ये भी हिफाजती इंतजामात में से एक है। एंड ऑल सिस्टम्स मीन्स रेजरवॉइस हौज एंड वेल्स और कुएं शुड बी कैप्ट क्लोज्ड इन द मलेरियल डिस्ट्रिक्ट। जो मलेरियल डिस्ट्रिक्ट हैं, मलेरिया जिन इलाकों में फैला हुआ है उनमें जितने भी हौज हैं और कुएं हैं उनको ढांप के रखा जाए। फॉर द मॉस्किटो लेज इट्स एग्स इन वाटर, कि मॉस्किटो जो है मच्छर ये पानी में अंडे देता है। अगर पानी नहीं रहेगा तो फिर वो अंडे भी नहीं दे पाएंगे, तो वो वहाँ से भाग जाएंगे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पानी हो। विंडोज एंड डोर्स मस्ट हैव वायर गॉज शटर्स। वायर गॉज मीन्स नेट, शटर मीन्स कवर्स, यानी दरवाज़ों और खिड़कियों पर जालीदार पर्दे लगाए जाएं। बेड्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय मॉस्किटो नेट्स। जो बेड्स हैं उनके इर्द गिर्द जो मॉस्किटो नेट होता है जिसे मच्छरदानी कहते हैं वो लगाई जाए। फाइनली क्विनीन, ये मेडिसन है, गोली है, टैबलेट है, इज़ इनवैल्यूएबल हेल्पफुल इम्पॉर्टेंट एज अ प्रिवेंटिव एंड क्योर। ये जो क्विनीन है ये प्रिवेंटिव के तौर पर यानी प्रिकॉशनरी हिफाजती एहतियाती तदाबीर के तौर पर या इलाज के तौर पर ये इस्तेमाल की जा सकती है क्विनीन। ये तो उस सूरत में है कि अगर खुदा नखास्ता मलेरिया हो जाए, तो उससे पहले अगर हम इन हिफाजती इंतजामात पे अमल करें, इन हिफाजती तदाबीर पे अमल करें, तो मच्छर के काटने से बच सकते हैं और अल्टीमेटली मलेरिया से भी महफूज हो सकते हैं। Here two questions will be discussed. Number one, what enabled the Americans to construct the Panama Canal? Number two, what did Bruce show in 1903 to 1905? Question number one starts here, that is, what enabled the Americans to construct the Panama Canal? It was this knowledge. कौन सा नॉलेज के आप जगहों को खुश करके रखें, जो हिफाजती इंतजामात के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है, ये वही इल्म था दैट एनेबल्ड द अमेरिकन्स टू कंस्ट्रक्ट द पैनामा कैनाल, जिससे अमेरिकन्स ये समझे कि हमें पैनामा कैनाल तामीर करनी चाहिए। आफ्टर द फ्रेंच हैड फेल्ड होपलेसली विद इनॉर्मस लॉस ऑफ लाइफ, enormous huge loss of life and money, उससे पहले जो फ्रांस था वो ज़िंदगी और रुपए दोनों का बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुका था। owing to the ravages means destructions of malaria and yellow fever, मलेरिया और येलो फीवर की वजह से वो बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान उठा चुका था। तो इससे फिर अमेरिकन्स ने सबक सीखा कि हमें पैनामा कैनाल बना लेनी चाहिए। इन 1903-1905 से क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट होगा, दैट इज़ व्हाट डिड ब्रूस शो इन 1903-1905। इन 1903-1905 ब्रूस शोड दैट स्लीपिंग सिकनेस, ये सोने की बीमारी, विच डेवस्टेट्स ruins destroys central africa was conveyed by a species of cc fly, species keh sakte kinds ko types ko of cc fly, ke ye cc fly ki hi ek kism hai jiski wajah se ye bimari phailti hai. In 1905 in uganda it caused 8003 deaths, in 1910 the number was reduced to 1546. Two questions will be discussed here. Give an account of discoveries which have sprung from Pasteur's work. Number two, why was the Pasteur's Institute built? Question number one starts here, that is, give an account of discoveries which have sprung from Pasteur's work. It is impossible even to catalog means compile, arrange the list of the medical discoveries, उन मेडिकल दरियाफ्तों की फहरिस्त को तरतीब देना नामुमकिन है, विच हैव स्प्रंग फ्राम पैस्टर्स वर्क एंड स्पेशली सिंस द ग्रेट वर्ल्ड वॉर, जो पैस्टर्स के काम की वजह से ख़ास तौर पर ग्रेट वर्ल्ड वॉर के वक्त से ज़हूर पज़ीर हुई, उन मेडिकल की दरियाफ्तों
की लिस्ट को तरतीब देना नामुमकिन है. Which forced us to deal with many hitherto. Hitherto means up till now, little known diseases and conditions. और उन दरियाफ्तों ने हमें इस काबल बना दिया कि हम उन बीमारियों के खिलाफ नबर आजमा हो सकें, उन बीमारियों के खिलाफ लड़ सकें जिनके बारे में अभी तक हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं था. And so to greatly increase our knowledge of them. और इस तरह से उनके बारे में हमारे इल्म में मज़ीद इजाफा किया. For example, at the beginning of war, जंग के आगाज़ में tetanus, lockjaw, यानी लकवा की बीमारी was tremendously common, tremendously horribly, खौफनाक हद तक फैली हुई थी amongst our wounded. हमारे फौजी जो ज़ख्मी हो जाते थे उनमें यह बीमारी फैल जाती थी. Because the soil of Belgium and northern France is full of the germs of the disease. क्योंकि बेल्जियम और शुमाली फ्रांस की जो सरजमीन है वो इस बीमारी यानी लॉकजॉ लकवा की बीमारी के जरासीम से भरी पड़ी है. Hence arose the custom of giving every wounded man a dose of anti-tetanus serum. सीरम मींस लिक्विड. तो ये एक रिवाज बन गया, रूटीन बन गई कि जो भी ज़ख्मी फौजी आता था उसे एंटी टैटनस सीरम, एंटी टैटनस जो मेडिसन होती थी वो दे दी जाती थी. विच रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ केसेस ऑफ टैटनस टू अ टाइनी प्रोपोर्शन. टाइनी मींस स्मॉल, प्रोपोर्शन मींस रेशो, जिसकी वजह से टैटनस के मरीजों की जो तादाद थी वो बहुत ही कम हो गई. From here, second question starts, that is, why was the Pasteur's Institute built? As an expression of the world gratitude. Gratitude means thanks. Tashakkur, shukriye ke ehsaas ke taur par, ke izhaar ke taur par, the Pasteur Institute was built in Paris with subscriptions. Subscriptions means donations, atiyat, चंदा, विच केम फ्राम आल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया के मुल्कों से वो अतियात आए. पैस्टर सिर्फ फ्रांस की हद तक महदूद नहीं थे. पैस्टर का फ़ायदा सिर्फ फ्रांस के लोगों ने नहीं उठाया था बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने पैस्टर की डिस्कवरी से फ़ायदा उठाया था. तो जो पैस्टर इंस्टीट्यूट बनाया गया तो वो पूरी दुनिया के लोगों के अतियात से बनाया गया. पूरी दुनिया के लोगों ने अतियात फ्रांस भेजे, वो एक शुक्रिया के इजहार के तौर पर भेजे गए. पूरे लोग उनसे, पूरी दुनिया के जो लोग थे उनसे बेहद मुतासर थे. इट वॉज़ ओपन्ड, ओपन्ड का यहाँ सिनोनिम होगा इनाकुरेटेड. इसका इफ्तिताह किया गया इन 1888 एंड वॉज द जॉय ऑफ पैस्टर्स फ्यू रिमेनिंग ईयर्स. और पैस्टर की ज़िंदगी के जो बाकी चंद एक साल रह गए थे उनके लिए, वो पैस्टर के लिए खुशी का बाइस थे. In the last paragraph of today's lesson, Louis Pasteur, one question may be asked in two ways. What is well said about Pasteur? Or how did Pasteur's work help us overcome superstitions? It had been well said that Pasteur brought the facts of disease and death from the realm. Realm means kingdom, world bhi keh sakte hain, of the supernatural. Supernatural means ghostly, mystical. And miraculous. Miraculous means an inexplicable into the realm of the natural. ये बिल्कुल ठीक कहा गया है कि पैस्टर बीमारी और मौत की हकीकत को एक माफोकल फितरत और मौजज़ाती दुनिया से निकाल कर फितरत की दुनिया में ले आए. Disease and death were great mysteries. बीमारी और मौत बहुत पुरासरार चीज़ें समझी जाती थीं. Where the occult, occult means magic, यहाँ जादू टोना या जिन भूत का साया, held sway ruled, यानी इनकी हुक्मरानी थी. The malign, malign means evil and mysterious influence of the moon caused lunacy. Lunacy means madness. उस दौर में ये समझा जाता था कि चांद के जो बुरे और अजीबो गरीब असरात हैं वो पागलपन की वजह बनते हैं. There was the evil eye with its morbific powers. Morbific means causing disease. एक बुरी नज़र समझी जाती थी जो जिसके अंदर बीमारियां पैदा करने की बहुत बड़ी ताकत थी.
इन फीवर एंड इन एपिलेप्सी, बीमारी और मिर्गी के दौरान द बॉडी वॉज पोजेस्ड बाई डिमॉन्स। ये समझा जाता था कि जब कोई बीमार हो जाता है या उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है तो जिन भूत उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी वॉज द किंग्स ईवल, ये बादशाह की बीमारी थी। टू बी क्योर्ड बाई द सॉवरन टच, और ये सिर्फ उसी सूरत में ठीक हो सकती थी अगर बादशाह आके उस बीमार को छू ले। फार मोर देन ऑल अदर मैन पेस्टर एबॉलिश्ड, एबॉलिश्ड मीन्स ख़त्म कर दिया, पेस्टर ने बिल्कुल इसको ख़त्म कर दिया। फॉर एवर दीज सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशंस कहते हैं फॉल्स बिलीफ्स, तो वहमात को मुकम्मल तौर पर पेस्टर ने ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म कर दिया कि वो बीमारी और मौत को माफोकुल फितरत और मौजज़ाती दुनिया से निकाल कर फितरत की दुनिया में ले आए कि अगर कोई बीमार होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उस पे ऊपर जैन भूत का साया हो गया है, बल्कि उसके पीछे कोई रीज़न है, कोई जरासीम है, उस जरासीम को ढूंढा जाए, उस बीमारी को के बारे में डायग्नोज किया जाए और फिर उसका इलाज किया जाए तो उस बीमारी से छुटकारा पाना मुमकिन है। एट लास्ट पेस्टर डाइड इन 1895 at the age of 73 and was buried in the institute. That's all of today's lecture, dear students. I hope you might have understood all the questions and their answers with a lot of synonyms. If you have any problem, if you have any question, you may comment in the comment section below. I'll be there to answer your questions. Till some next lecture, take a very good care of yourself and your dear ones. Thank you very much.